नमस्कार, जनसत्य न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। कोरोना के दंश की मार से जूझ रहे देश में लॉकडाउन की स्थिति परिस्थितियों के मुताबिक बदल रही है, इसलिए प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए तमाम गाइडलाइन जारी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली समेत गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या अचानक से बढ़ गई है, क्योंकि कई लोग लॉकडाउन के नियमों को लगातार ताक पर रखकर बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। उसने सरकार को और ज्यादा कड़ा रुख अपनाने को मजबूर कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर सील होने के बाद प्रशासन ने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो पास पहले जारी किए थे उसको रद्द करते हुए नए पास जारी किए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस के आला अधिकारी बड़ी संख्या में तैनात दिखे, जो खुद गाड़ियों के पास चेक कर रहे हैं। वहीं नए पास जारी होने के बाद दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह से व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, इसका जायजा लिया जनसत्य न्यूज ने। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते तमाम राज्यों की पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहांगीरपुरी में थोड़े दिन पहले सी ब्लॉक में 31 एक ही ब्लॉक के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे, और कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल भी एक ही ब्लॉक के 46 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद सभी राज्यों ने अपनी सीमाओं पर और तेज़ी और सख्ती दिखा दी है, सुरक्षा व्यवस्था को पूरा बढ़ा दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बॉर्डर पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हर गाड़ी का पास चेक किया जा रहा है, क्योंकि आज से एक नई व्यवस्था लागू की गई है कि स्पेशल ही पास पर गाड़ियाँ अंदर बॉर्डर क्रॉस कर सकती हैं। सिर्फ मीडिया की, हेल्थ की, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की गाड़ी अलाउड है आने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर गाड़ी को रुकवा कर उनके पासेस चेक किए जा रहे हैं। जो पुराने पास थे जिनको निरस्त किया गया है, अब वो मान्य नहीं होंगे। आज से जो नए पासों की जो पास लागू किए गए हैं, वही जो जिनके पास हैं वही आ पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो बॉर्डर सील है उसमें भी आपके पास खाने पीने का जो सामान है, तमाम जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक्स हैं, जो खाने का सामान लाते हैं, उनको एंट्री दी जा रही है, लेकिन उनके लिए भी पास ज़रूरी है। तो अफवाहों से बचिएगा, क्योंकि अफवाहें जो फैल रही हैं कि लॉकडाउन में आपको खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, सामान की किल्लत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, टेम्परेचर है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है हर किसी की, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। कड़ी धूप में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, हर एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है, बिना चेकिंग के किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं दी जा रही है। ये आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो गाड़ियाँ हैं जो दिल्ली से नोएडा में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके पास पास नहीं है, तो इन गाड़ियों को अलग से लगवाया गया है। इनसे पूछा जाएगा कि ये क्यों यहाँ पर आए हैं और क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको, क्या ऐसी ज़रूरी दिक्कत थी कि इनको आना पड़ा। आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतार है, इसमें खाने का ट्रक भी है, लेकिन साथ साथ देखिए आप, यहाँ पर सिर्फ मेडिकल जो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं पुलिस वालों को। अगर वो रिपोर्ट सही है और उनको ये ज़रूरी है कि उनको हॉस्पिटल जाना है, तो वो जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम पर, जो हमने पिछली बार भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, हमने दो बार आपको यहाँ दिल्ली के एंट्री पॉइंट से आपको रिपोर्ट दिखाई है। हमेशा यहाँ पर पुलिस मुस्तैद रही है, हमेशा से ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रही है, लेकिन आज आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रशासन दिख रहा है, प्रशासन के तमाम अधिकारी दिख रहे हैं, बड़े अधिकारी दिख रहे हैं, जो यहाँ पर हर एक गाड़ी का, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, हर एक गाड़ी का पास चेक किया जा रहा है, उनसे उनकी ज़रूरत पूछी जा रही है, अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही वो जा पाएंगे। खाने की गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा, उनके भी पास चेक किए जा रहे हैं। तो आपके बीच में बार बार ये अफवाह निकलती है कि यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान और जो अब बॉर्डर सील हुए हैं,
जैसे कि हमें कल भी देखने को मिला था, जैसे ही ये हुआ था कि पुराने पास रद्द किए गए हैं और नए पास इशू किए गए हैं। कोई पैनिक नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था दुरुस्त है। लॉकडाउन के दौरान आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर चीज़ पर पूरे तरीके से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, पूरी नज़र रखी जा रही है हर तरीके से। आप सोच सकते हैं, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने घरों में रहना है, आपको बाहर नहीं आना है। बिना ज़रूरी काम के आप बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि आपके बाहर निकलने से लोगों में और जो प्रशासन की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती है। आप देख सकते हैं, आप इतनी कड़ी धूप है, इस कड़ी धूप में सुबह से पुलिस वाले, सुबह से ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ी है और पूरी रात तक ये काम करेंगे। तो इस कड़ी धूप में जब ये आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर मुस्तैद हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर आपकी सुरक्षा में लगे हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि इनका आप हाथ बटाएं, इनकी आप मदद करें। फालतू घर से मत निकलिए, बिना काम के घर से मत निकलिए। आपके पास सारे हेल्पलाइन नंबर प्रशासन ने जारी किए हैं कि अगर आपको खाने की दिक्कत है तो उसका हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ पे फ़ोन कीजिए, आपको खाने का सामान आपके घर पर आ जाएगा। अगर आपको मेडिकल की सुविधा चाहिए तो भी पुलिस, आपने बहुत वीडियोस देखे हैं कि पुलिस के पास, कंट्रोल रूम के पास फ़ोन गया है या पुलिस के पास फ़ोन गया है, उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को उनके घर पर जाके दवाइयाँ प्रोवाइड कराई हैं, खाना प्रोवाइड कराया है। तो ये पुलिस का वो रूप है जो शायद हमने इस लॉकडाउन में, हमें गर्व दिलाता है कि हमारे भारत की पुलिस ऐसी है, इतनी मुस्तैद है। अपने परिवारों को छोड़ के ये लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा इनके लिए मायने रखती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इनका हाथ बटाने के लिए पहले आप अपने पास पास लेकर आइए, क्योंकि उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। विदाउट पास आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अरब के साथ सुनैना सिंह, जनसत्य न्यूज़। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से नई गाइडलाइन पर प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। बॉर्डर पर सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, तो वहीं जिन लोगों के पास प्रशासन के जारी किए हुए नए पास नहीं है, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ऐसे में यहाँ मुझे अख्तर सईद खान की चंद लाइनें याद आ रही हैं, जो कुछ इस तरह हैं। ये दश्त वो है जहाँ रास्ता नहीं मिलता, अभी से लौट चलो घर, अभी उजाला है। तो जनसत्य न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि इस मुश्किल दौर में आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।